हे गाइस, आप लोग कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेके मैं आया हूँ, एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2020 के बारे में बता रहा हूँ कि एसएससी एमटीएस की बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। सो गाइस, ये जो मैट्रिक लेवल की वैकेंसी है, आप क्या कर सकते हैं? अगर मैट्रिक के कैंडिडेट हो, अगर मैट्रिक का पास किए हो, तो क्या कर सकते हैं फॉर्म को मैं आपको स्टार्टिंग डेट से साथ साथ लेकर लास्ट डेट बताने वाला हूँ, ठीक है? और साथ ही साथ आपको एज बताने वाला हूँ, क्वालिफिकेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री वाइज इसकी वैकेंसी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है? ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है वैकेंसी, ठीक है? सो गाइस, वीडियो को आगे तरफ बढ़ा रहे हैं। सो गाइस, अभी आप जो फिगर देख रहे हैं, देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट नेम क्या है गाइस, मैं आपको बता दूँ, पोस्ट नेम जो है एसएससी एमटीएस 2020 के, ठीक है? ये ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा गाइस। सो गाइस, मैं आपको चलिए आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। सो गाइस, अभी जो ये देख रहे हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस के बारे में दिया, स्टाफ सर्विस कमीशन के बारे में दिया गया है, ठीक है? सो गाइस, लगभग पोस्ट इसमें कितने हैं, तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो टोटल पोस्ट जो है इसमें कितने हैं, तो टोटल पोस्ट है 7,999 है। 7,999 पोस्ट है। मैंने पहले वीडियो आपको डाल के बताया हुआ था, जिसमें बहुत सारे कमेंट आए सर इसमें, तो दे दिए हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन, कैसे डाउनलोड करें, कब इसका स्टार्टिंग डेट, कब लास्ट डेट हो, उसमें बताया गया था कि वैकेंसी जो आ चुकी है। सो गाइस, ये वैकेंसी जो है कब होगी, जून में होगी। मैं आपको बता दूँ कि इसका लास्ट डेट और अंतिम डेट क्या है। सो गाइस, मैं आपको बताने वाले हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज डेट, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएंगे, तो 2 जून को आएंगे, ठीक है? स्टार्टिंग डेट क्या है, तो स्टार्टिंग डेट जो है 2 जून से फॉर्म भर जाएंगे, 2 जून 2020 से फॉर्म भर जाएंगे। और लास्ट डेट कब तक भर जाएंगे, 15 जुलाई तक भर जाएंगे। अर्थात यू गाइस, कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म डालने के लिए हमारे पास 1.5 महीने समय। एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो एडमिट कार्ड का भी डेट नहीं दिया गया। जैसे एडमिट कार्ड का डेट आता है, इश्यू होता है, तो मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, वहाँ बताऊंगा कि एडमिट कार्ड के डेट कब आने वाले और एग्जाम डेट कब होंगे, मैं वहीं पर आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, अभी यहाँ देख रहे हैं एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है? और एसएससी एमटीएस के जो रूल होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से एससी एससी एसटी ओबीसी के होंगे, ठीक है? एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फी जो है 100 रुपया है, ठीक है? जनरल जनरल और ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फी कितने है, 100 रुपीज है। एससी एस टी पी एच के लिए और कैटेगरी फीमेल के लिए क्या है, एक्सेप्टेड किया गया, यानी फ्री है। सो गाइस, बात करते हैं पेमेंट कैसे कर सकते हैं। पेमेंट आप किसी भी थ्रू कर सकते हैं, लाइक नेट बैंकिंग कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको सो गाइस, एसएससी एमटीएस के बारे सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 52,200 से लेकर 20,200 तक आपका सैलरी होंगे, बेसिक सैलरी होगी। उसके अलावा जीपी कितना होंगे, 1800 होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो केवल 10th पास होने चाहिए, ठीक है? हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो कैंडिडेट आप नीचे दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। साथ साथ आपको क्या लगेंगे, अप्लीकेशन तो लगेंगे, बट कैंडिडेट का फोटो भी चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर भी चाहिए, साथ साथ आपसे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट भी चाहिए। ये वैकेंसी जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इस वेबसाइट से भी देख सकते हैं। पोस्ट नेम क्या है, एमटीएस से पूरी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑल ओवर इंडिया में है। कहीं भी इंडिया के कैंडिडेट जो भी होंगे, ऑल ओवर इंडिया का फॉर्म लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत ही कम समय लगता है। और साथ साथ क्या होंगे कि इस तरह से एसएससी एमटीएस के जो भी नोटिफिकेशन होगा, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। 1 लाइक जो होती है आपकी, हमारी एक मोटिवेशन को बढ़ाती है। सो गाइस, चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।